सो गाइस आईपीएल 2021 के जो बचे हुए मुकाबले हैं वो सितंबर से खेले जाएंगे। और गाइस आईपीएल 2021 अब अपना अलग ही रोमांच पकड़ने वाला है, क्योंकि यहां पे अब लगभग कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है कि इंग्लिश खिलाड़ी भी अब आईपीएल 2021 के बचे हुए मुकाबले खेलने वाले हैं। सो गाइस इस बात की तो कल मैंने आपको खुशी बताई दी थी, लेकिन आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि मोइन अली और सैम करन के आने के बाद जो चेन्नई का सूखा कुछ सालों से पड़ा हुआ है ट्रॉफी जीतने का, क्या वो अब पूरा होने वाला, क्या क्या मजबूती बन के आने वाले हैं ये खिलाड़ी। सो गाइस पूरे डिटेल के साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूं। सो गाइस ये वीडियो अभी प्ले के पूरा एंटायर एंड तक देखिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में, लेकिन गाइस उससे पहले मैं आपको एक अच्छी खुशखबरी दे रहा हूं। और गाइस ये पूरी तरीके से कंफर्म हो चुका है कि T20 वर्ल्ड कप भारत में ना होके बल्कि जो खेला जाएगा वो UAE में खेला जाएगा, यानी आईपीएल भी UAE में होने वाला है और T20 वर्ल्ड कप भी UAE में होने वाला है। यानी इन दोनों चीजों को देखते हुए अब बाकी जो खिलाड़ी वो भागे दौड़े आएंगे आईपीएल खेलने के लिए, क्योंकि उन्हें भी अब चाहिए कि आखिर यूएई का कंडीशन क्या रहने वाला है, क्या चीजें रहने वाली है, इन सभी चीजों को जानने के लिए, परिस्थिति को जानने के लिए यहां पे ये खिलाड़ी जो विदेशी खिलाड़ी जो टॉप खिलाड़ी हैं जो कि आईपीएल से लिंक हैं वो 101% हम कंफर्म में लिख के ले लीजिए कि वो आईपीएल के बचे हुए मुकाबले खेलने के लिए आने वाले हैं। सो गाइस इस तरीके से ये भी बीसीसीआई ने मास्टर प्लान कर दिया है और T20 वर्ल्ड कप को भी अपने ही होस्ट करवाएंगे और यूएई में वो पूरी तरीके से फिक्स कर दिए हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग आ जाते हैं अपने कंटेंट पे। सो गाइस फाइनली हम लोग अच्छी तरीके से, आपको पता है कि यहाँ पे इंग्लैंड के खिलाड़ी आईपीएल 2021 के बचे हुए मुकाबले खेलने वाले हैं, कल मैंने आपको खुशखबरी दे दी थी। अब काफी लोगों का कहना है कि क्या क्या फायदे होने वाले हैं। सो गाइस यहाँ पे खूबी तो काफी ज्यादा है गिनवाने के लिए। सबसे बड़ी खूबी मोइन अली का यहाँ पे परफॉर्मेंस देखिए, इस बार का जो बचा हुआ मुकाबला जो इन्होंने खेला था, इन्होंने अपने खेले गए 6 मुकाबलों में 2 से 6 रन बनाए थे और 7 में इन्होंने 5 विकेट लिए थे, यानी कि यहाँ पे काफी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा था। शायद 6 या 7 मुकाबले इन्हीं दो में से कोई मुकाबले इन्होंने खेले थे और 206 रन बनाए थे, यानी चेन्नई की तरफ से काफी ज्यादा रन बनाए थे। सबसे ज्यादा रन बनाने की बात करें तो फाफ डू प्लेसिस के बाद यहाँ पे इन्हीं का नाम आता है और उसके बाद इन्होंने 7 में 5 विकेट भी लिए है। यानी मोइन अली किस तरीके का यहाँ पे ऑलराउंडर प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं, आप अच्छी तरीके से देख रहे हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए सैम करन का परफॉर्मेंस। सैम करन ने अपने खेले गए 7 मुकाबलों में 52 रन बनाए, 9 विकेट लिए हैं। ये 52 रन पे मत जाइएगा, क्योंकि ये जब 6 विकेट गिर जाता तब आते थे, यानी ये 52 रन जो बने हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ 18 से लेकर 19 गेंद में बने हैं, यानी कि काफी तेजी स्ट्राइक रेट से अंतिम में आके जो पावर फ्लो की जरूरत रहती है वो इनके अभी तक ये 52 रन है और 7 में 9 विकेट, यानी चेन्नई की तरफ से जो हाईएस्ट विकेट अभी तक का इस आईपीएल में जो खिलाड़ी लिया है वो सैम करन ही लिया है। यानी पिछले आईपीएल में भी ये काम किए थे, इस आईपीएल में भी ये काम किए हैं। यानी इन दोनों टीमों की बात करें, ये दोनों खिलाड़ी कितना ज्यादा मैटर करते हैं ये दोनों आपको स्टैट्स देख के अच्छी तरीके से पता चल गए होंगे। अब हम लोग फाइनली बात करने वाले हैं कि क्या क्या फायदे होने वाला है। सबसे बड़ा इनका ऑलराउंडर प्रदर्शन काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। चेन्नई की जो सबसे बड़ी जो मजबूती सबसे आगे जो निकल के आती है वो इनके ऑलराउंडर से निकल के आती है, क्योंकि ये अपने ऑलराउंडर के दम पे यहाँ पे बेंच स्ट्रेंथ के दम पे यहाँ पे काफी तेजी से वार करते हैं। और गाइस इस तरीके से बात करें तो ऑलराउंडर्स चेन्नई के हर साल काफी ज्यादा बेहतर रहते हैं। यहाँ पे जडेजा को आप देखिए, इस बार अगर बात करें तो यहाँ पे मोइन अली है, सैम करन है, यानी पिछले साल के ऑलराउंडर्स इतने ज्यादा अच्छे नहीं थे तो इस वजह से चेन्नई को काफी ज्यादा घाटा हुआ था, लेकिन इस बार फिर से इन्होंने ऑलराउंडर्स के दम पे फिर से घात किया है और गाइस इस तरीके से पॉइंट टेबल के नंबर 2 पे यहाँ पे बैठ चुके हैं। तो गाइस फाइनल में बात करने वाले हैं दूसरे चीज के बारे में। अब ऑलराउंडर्स हैं तो यानी ऑलराउंडर का दूसरा जो स्लोगन होता है वो पूरी तरीके से बैलेंस निकल के आता है, क्योंकि ऑलराउंडर्स ही रहते हैं जो कि टीमों को बैलेंस प्रदान करते हैं। और गाइस इस तरीके से बात करें तो इनकी टीम की भी बैलेंस की बात करें तो वो पूरी तरीके से कंफर्म हो चुके हैं। ये दोनों खिलाड़ी रहेंगे तो चेन्नई के जो बैलेंस है वो पूरी तरीके से बना रहेगा, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी बॉलिंग भी कर सकते हैं, बैटिंग भी कर सकते हैं, यानी एक जो एक्स्ट्रा कुशन चाहिए होता है वो ये दोनों खिलाड़ी प्रोवाइड करते हैं। और गाइस इस तरीके से बात करें तो इन दोनों खिलाड़ी के आने के बाद चेन्नई की जो यहाँ पे जो कि एडवांटेज है वो एक अलग लेवल पे चले जाते हैं। उसके बाद तीसरी बात करें तो ये दोनों खिलाड़ी मैच विनर है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये दोनों खिलाड़ी अपने आप में मैच विनर है। यानी चेन्नई को अकेले दम पे यहाँ पे तकदीर सब चीजें पलट के रख देंगे ये दोनों खिलाड़ी। और गाइस इस तरीके से बात करें तो ये दोनों खिलाड़ी अपने आप में ही काफी बड़े यहाँ पे बात करें मैच विनर हैं, और चेन्नई इसी बात की गुरूर कर रही है कि ये दोनों खिलाड़ी अगर आएंगे, इनके फैंस भी अच्छी तरीके से जानते हैं ये दोनों खिलाड़ी आएंगे
तो काफी बड़ा यहाँ पे कारनामा कर देंगे और चेन्नई सुपर किंग को एक्स्ट्रा जो ट्रॉफी रहने वाली है, जो चौथी ट्रॉफी रहने वाली है, वो जिता के चले जाएंगे। और गाइस इस तरीके से बात करूं तो ये अगला जो चीज है वो चेन्नई के लिए निकल के आ रही है। सो गाइस आखिरी एंड में बात करने वाला हूँ कि आखिर कौन सी चीज सबसे बड़ी है। सो गाइस ये जो चीज रहने वाला है ये रहने वाला है एक्स्ट्रा डेप्थ। अब आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि ये दोनों खिलाड़ी खेलेंगे तो चेन्नई को एक्स्ट्रा डेप्थ यहाँ पे जो डेप्थ की जो समस्या है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये अपने फास्ट बॉलर्स को लेकर खेलेंगे, स्पिनर्स इनके अच्छे काफी दो हो जाएंगे, क्वालिटी स्पिनर्स हो जाएंगे, यानी पूरी तरीके से बात करूं तो यहाँ पे इनकी टीम काफी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। और जो डेप्थ इनकी टीम को मिलेगा इन दोनों खिलाड़ियों के आने के बाद वो एक अलग ही लेवल का रहने वाला है। और इस तरीके से गाइस ये खूबियां मैं आपको गिनाया हूँ, खूबी तो काफी ज्यादा है, अगर मैं गिनाने बैठूंगा तो काफी ज्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन यही एक कुछ चीजें रहने वाली है जो कि मैंने फोकस डाली है, जिससे आप सभी फैंस जो हैं वो पूरी तरीके से एक्साइटेड हो जाइए ये दोनों खिलाड़ियों को देखने के लिए कि आखिर ये दोनों खिलाड़ी आएंगे तो कितना ज्यादा यहाँ पे रंगमंच मचाने वाले हैं। सो गाइस फाइनली आप बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो खत्म करते हैं, आपको मिलेंगे अगले एनालिसिस के साथ।